हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज शेयर करेंगे मखमली पत्ता गोभी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है, मंचूरियन को भी टक्कर देने वाला ये रेसिपी है। दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से बनता है, झटपट बनता है और खाने में तो बेहद स्वादिष्ट लगता है। और इस रेसिपी को गर्मा गर्म ही दोस्तों सर्व करना है, ठंडा रेसिपी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो दोस्तों, रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। और दोस्तों, लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। तो चलो फटाक से करते हैं दोस्तों रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा और 1 चम्मच ऐड किया है बारीक वाला रवा। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच काला मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चम्मच ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हींग। हींग हमारे पेट में गैस बनने नहीं देता है, हींग ज़रूर ऐड कीजिए आप भी दोस्तों। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं ऐड करना है तो आप ना ऐड करें। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, ओनली बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे दोस्तों। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ऐड करना है नॉर्मल पानी। दोस्तों, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है। और पानी की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसका बैटर रेडी करना है। अब ऐड करेंगे 2 चम्मच शेजवान चटनी, टेस्ट बढ़ जाता है शेजवान चटनी ऐड करने से। देखिए, इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो पत्ता गोभी लिया था दोस्तों, धो के वॉश कर लिया है, कपड़े से पोंछ के इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है दोस्तों, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो पत्ता गोभी को इस बैटर के अंदर इस तरीके से डुबो लेना है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पत्ता गोभी ऐड कीजिए, अच्छे से लपेटते जाना है और फ्राई करते जाना है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी आपको कैसे बनानी है। पकौड़ी हमारी अच्छे से पकनी चाहिए दोस्तों। देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी है पकौड़ी हमारी, तो इसको हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, पकौड़ी फ्राई करते टाइम ऑयल के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है ताकि पकौड़ी कम ऑयल लेगी, ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी। तो देखिए दोस्तों, पकौड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, अब मखमली बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ऑयल बचा के रख दिया था, छोटा सा 1 चम्मच ऐड किया था। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट 1 चम्मच 1 टीस्पून। और अब मैंने 1 बड़ा शिमला मिर्च लिया था, 1 कैप्सिकम, उसको भी बारीक कट करके थोड़ा सा पका लेना है। और अब मैंने 50 ग्राम के करीब लिया है पत्ता गोभी, स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, थोड़ा सा ही पका लेना है। और अब ऐड करेंगे 50 ग्राम के करीब शेजवान चटनी, आप चाहे तो इसके अंदर विनेगर, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस भी ऐड कर सकती हो, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है। सिंपल तरीके से ये मखमली रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ऐड करेंगे पकौड़ी, वेजिटेबल और शेजवान चटनी के अंदर अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, मखमली पत्ता गोभी में से बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है, खाने का मन कर रहा है। और इस रेसिपी को गर्मा गर्म ही खाने का मज़ा आता है, ठंडा होने के बाद ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है दोस्तों।
जब भी बनाए गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से झटपट बनने वाली ये रेसिपी है दोस्तों। चीज़ और धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।